नमस्कार दोस्तों, मालवी जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता, जो कि हम अरवी के पत्ते से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कुछ अरवी के पत्ते। मैंने यहाँ 10 अरवी के पत्ते लिए हैं। अब हम इसमें से एक पत्ते को लेंगे। अब हम इसका जो ये वाला पार्ट होता है, जो डंठल, हम इसको निकाल देंगे क्योंकि हम इसे नहीं रख सकते। इसको खाने से हमारे गले में खुजली हो सकती है, तो हम इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम एक नाइफ लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से सारे पत्ते कट कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने सारे पत्ते को कट कर लिया है। अब हम इसमें से आधे पत्ते लेंगे और इसे डबल से हम फोल्ड करेंगे। और अब हम इसके छोटे छोटे पीस कट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ मैंने सभी को कट कर लिया है। अब हम इन सबको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालने के लिए एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ ली है कुटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। और यहाँ मैंने 1 स्पून इमली का बूरा लिया था, उसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, उसको डाल देंगे हम इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 स्पून जितना नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम ले लेंगे हमारे कटे हुए अरवी के पत्ते और इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही आ जाएगा जीरा, जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, और हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट। और इसके बाद हम ले लेंगे 1 टीस्पून ऑयल और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ हाथों से ही मिक्स करूँगी क्योंकि स्पून से हमारी ये चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो हम इसको अच्छे से क्रश करते हुए मिक्स करेंगे। हमें इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसमें यहाँ लेंगे बेसन। बेसन की क्वांटिटी हमें उतनी ही रखनी है जितना हमारा एक डोसा बनकर तैयार हो जाइए। हमें मिक्स करना है और अगर ज़्यादा गीला लगे तो फिर से हम बेसन डालेंगे। तो अब मैं 1/2 कप बेसन और ले रही हूँ। अब हम फिर से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने इसका एक डो जैसा बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हम इसके रोल बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 1/2 पोर्शन लेना है और इसको ऐसे ऐसे रोल कर देना है। इस तरीके से। तो यहाँ हमारे रोल बनकर रेडी है। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी गर्म करके एक छलनी लगा दी थी। इस पर मैं ऑयल को ग्रीस कर दूंगी अच्छे से सभी तरफ से और हम इसमें रख देंगे हमारे बनाए हुए रोल। अब हम इसको ढक देंगे और इसे 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे। तो यहाँ हमारे जो रोल है वो स्टीम हो चुके हैं। अब हम एक टूथपिक लेंगे और इससे इसको चेक करेंगे
तो यहाँ हमारे टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन निकल कर आई है। अब हम हमारे सारे दोनों रोल को प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमारे रोल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है, हमें इसके पीस कट नहीं करने हैं। इस तरीके से हम दोनों रोल को क्रश कर लेंगे। अब हम ले लेंगे कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून जितनी राई। राई के चटकते ही हम लेंगे 1 टेबल स्पून इतना जीरा और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून सफेद तिल। यहाँ हमारी राई भी हल्की भून चुकी है, अब हम इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको सिर्फ 1 मिनट तक ही रोस्ट करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 स्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोकोनट का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहो तो फ्रेश कोकोनट भी इसमें यूज कर सकते हो। तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। प्याज, धनिया, सेव और टमाटर से मैंने इसे सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।